हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब सिंधी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। ओके, तो आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हो कि 40% की मैंने बात की है। तो ये मैंने कहाँ से लिया स्क्रीनशॉट और आपको दिखाया, तो मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो 40% से ज़्यादा वालों को ट्रेड टेस्ट में ले सकते हैं। ओके, अब आप बात यह आती है कि 40% से ज़्यादा वाले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं MTS में, दिल्ली पुलिस MTS में। ओके, तो मैं बताना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन में जो है आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर लिखा है कि 40% वालों को ये ले सकते हैं, मतलब ऊपर वालों को। हालांकि थोड़ा सा बदल के उन्होंने लिखा है, मगर उसमें आप देख सकते हो साफ लिखा है कि 40% से कम वालों को तो वो बिल्कुल नहीं लेंगे। इसलिए अगर किसी के 40% से कम नंबर हैं तो वो बिल्कुल अपनी उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि इसमें तो 40% से कम वालों को वो लेंगे ही नहीं। फिर भी आप कट ऑफ का इंतज़ार कर सकते हो। जैसे कि आप थंबनेल में देख के समझ गए होंगे, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 40% से ज़्यादा वालों को ट्रेड टेस्ट में ले सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेड टेस्ट जो है वो इतना आसान एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। अब जो है काफ़ी कठिन एग्ज़ाम होगा आपका ट्रेड टेस्ट, क्योंकि उसमें 20 नंबर का आपका टेस्ट होगा और जिसे 10 नंबर क्वालिफाई करने ही होंगे। ओके, तो दोस्तों जिसमें आपको 10 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अब बात आती है रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका मार्च के लास्ट वीक में या लास्ट के 2 वीक का समय दिया गया है। तो मार्च के जो है, जो मंथ अभी चल रहा है, तो इसमें जो है लास्ट वीक में या उससे पहले आ सकता है। तो तब तक इंतज़ार कीजिए, वीडियो के जरिए हम आपको जानकारी दे देंगे। कट ऑफ की जानकारी हम दे चुके हैं, अनुमानित कट ऑफ जो हमने बनाई है, हमने कट ऑफ अगली बार बदली नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सर्वे करते हैं और हमने कमेंट भी देखी है, सबकी कमेंट देखी है। किसी ने अच्छी कमेंट की है, किसी ने गलत कमेंट की है, मगर कमेंट हमने सबकी देखी है। ओके, और सबसे निवेदन यही है कि आप गलत कमेंट करने से पहले, अच्छा है कि सही सलाह लीजिए। और अगर आपको कोई हमारी वीडियो से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में अच्छी बातें लिखिए, जिससे कि हम अच्छे से आपका रिप्लाई कर सकें और आपको समझा सकें। तो दोस्तों, आप जो है सोच रहे होंगे कि आपका जो है ट्रेड टेस्ट जो है उसमें क्या क्या आएगा, आपको क्या क्या करना होगा, तो उसकी वीडियो हमने बना दी है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आपको ट्रेड टेस्ट में कितने नंबर का क्या आएगा, आपको क्या क्या तैयारियां करनी है ट्रेड टेस्ट की, तो सभी की जानकारी हमने वीडियो में पहले ही दे दी है। ओके, कट ऑफ के बारे में भी आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे थे कि आपके जो है ट्रेड टेस्ट 20 नंबर का होगा और जिसमें से 10 नंबर आपके क्वालिफाई मार्क हैं। ओके, और रिजल्ट आपका आएगा मार्च के लास्ट वीक में, उससे पहले भी आ सकता है, मार्च का लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सभी का सवाल यही है कि उनका रिजल्ट आएगा कब। तो जैसा कि मैंने बताया, मार्च के लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये मैंने आपको कल की वीडियो में ही बता दिया था। तो दोस्तों, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आपको अगर नई नई जानकारी चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड सभी तरह की वीडियो बनाते हैं और दिल्ली पुलिस की आने वाली सारी वीडियो हम बनाएंगे। रिजल्ट भी आएगा तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी दे रहे थे। आशा करते हैं कि आप हमारी दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और डिसलाइक नहीं कीजिएगा, कमेंट कीजिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।